नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों अभी मैंने आपको जो है करंट अफेयर के रिव्यूज प्रेजेंट किए थे जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे। अब हम आपको पूरे जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं उन सारे क्वेश्चंस को, वो आपके फिजिक्स से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सारे ही होंगे। फर्स्ट शिफ्ट में यानी आज के डेट पे जो 22 मई की डेट पे जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो आपका RRBJEE 2019 का हुआ है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको प्रेजेंट करेंगे, प्लस एडिशनल डिटेल्स भी यानी और भी क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे जो कि एक्सपेक्टेड है, जैसा हमने आपको पहले बताया था, तो आपको वही पूछे गए। अगर दोस्तों अगर आप मेरे रेगुलर लर्नर होंगे तो आपको 100% क्वेश्चंस मिल गए होंगे करंट अफेयर के। मैं डैम श्योर कह रहा हूँ कि 100% जो क्वेश्चन से मैंने आपको कराए हैं जो कि आपके करंट अफेयर में पूछे गए, तो 100% हल सही मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोज मिलती है, रेगुलर करंट अफेयर मिलती है। लाइक करिए इस वीडियो को और दोस्तों में शेयर करिए, और दोस्तों बेल टैप वहाँ पे होगी आपको दिख रहा होगा राइट साइड डाउन, तो उसको टैप कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियोज प्रेजेंट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको लिंक मिले हुए हैं, उनको भी देखिए। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों देखिए आपको पूछा गया था कि आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए शशांक मनोहर जी जो है आईसीसी के यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, और इसका जो हेडक्वार्टर में भी आपको पूछा जा सकता है तो वो है दुबई, लिख लीजिएगा दुबई में इसका हेडक्वार्टर है करंट में आईसीसी का। उसके अलावा अगर आपको करंट में सीईओ पूछ दे तो लिख लीजिएगा मनु साहनी जो है इसके करंट में नए सीईओ हो गए हैं, जबकि ये ज्वाइन करेंगे जुलाई से, लेकिन अगर आपको सीईओ पूछा जाता है तो आप मनु साहनी के साथ जाएंगे। अगर मान लीजिए मनु साहनी नहीं देता है तो आपको ऑप्शन मिलेगा डेव रिचर्डसन का, नोट डाउन कर लीजिएगा ऑप्शन आपको किसका मिलेगा, डेव रिचर्डसन का मिलेगा, क्योंकि ये जुलाई में ये इस्तीफा दे देंगे। खैर मनु साहनी चुन लिए गए हैं लेकिन डेव रिचर्डसन अभी वर्ल्ड कप तक सीईओ रहेंगे, तो अगर आपको आपको ऑप्शन में अगर मनु साहनी देता है तो आप 100% मनु साहनी के साथ जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा आप 100% जो है मनु साहनी के साथ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया है कि डेविस कप 2018 का विजेता तो वो है क्रोएशिया। डेविस कप दोस्तों आपकी टेनिस प्रतियोगिता है, लास्ट टाइम मैंने जल्दी जल्दी में उसको फुटबॉल बोल दिया था, तो ध्यान रखिएगा डेविस कप आपकी जो है एक टेनिस प्रतियोगिता है जिसमें क्रोएशिया ने फ्रांस को हराया है। ध्यान रखिएगा क्रोएशिया ने फ्रांस को हराया। अगर देखिए आपको डेविस कप पूछा हो गया होगा तो क्रोएशिया विनर है, अगर आपको फीफा वर्ल्ड कप पूछा हो गया होगा जो कि फुटबॉल है तो वो फ्रांस ने जीता था। देखिए फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ था कि फ्रांस ने हराया था किसको, क्रोएशिया को हराया था। फीफा वर्ल्ड कप जो कि आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, जिसको फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जिसका फुल फॉर्म कहते हैं आप उसको, स्विट्जरलैंड में उसका ज्यूरिक में उसका हेडक्वार्टर है, तो इसमें तो फ्रांस ने जीता था, ठीक है, और जो है कि क्रोएशिया को हरा के जो कि आपका रशिया में हुआ था, ठीक है, इसमें फ्रांस ने जीता था, लेकिन डेविस कप में क्रोएशिया ने बदला ले लिया फ्रांस से, यानी क्रोएशिया को हरा के सॉरी फ्रांस को हरा के जो है क्रोएशिया ने जीत लिया था डेविस कप। तो अगर डेविस कप अगर आपको पूछा गया है तो आपका क्रोएशिया सही होगा। अगर आपको देखिए डेविस कप पूछा गया तो जाहिर सी बात है आगे आपको फीफा विश्व कप देखने को मिल सकता है, तो फीफा किसने जीता है नोट डाउन कर लीजिएगा, फीफा जीता है फ्रांस देश ने, ध्यान रखिएगा फ्रांस कंट्री ने क्रोएशिया को हरा के ही फीफा जीता है। और हुआ कहाँ था इस बार का फीफा जो कि 21वां एडिशन था, 21वां संस्करण था, तो वो हुआ था रशिया में, नोट डाउन कर लीजिएगा रशिया में हुआ था आपका ये फीफा जो है वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके अलावा डेविस कप जीता है क्रोएशिया ने। क्वेश्चन आपका था कि ओडिशा के मुख्यमंत्री, देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। देखिए दोस्तों जैसे आपको एएलपी में ग्रुप डी में आपके आरपीएफ में जो क्वेश्चन जो आपका मोमेंटम जो है वही आपको फिर से रिपीट किया जा रहा है, यानी हर सेक्शन में हर सेट में आपको जो है सीएम और राज्यपाल देखने को मिलेंगे, तो अगर सीएम देखने को मिलेंगे तो सारे सीएम याद कर लीजिए, मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ, जो भी राज्य आता है मैं उसके सीएम और राज्यपाल जरूर बताता हूँ। देखिए ओडिशा का सीएम पूछे जाने का रीजन इसलिए भी है कि एक तो नवीन पटनायक वहां के सीएम है, दूसरा अभी ओडिशा में ही आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा अभी जो भारत में हॉकी विश्व कप हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो वो ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हुआ, तो इस वजह से भी पूछा जा सकता है। तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है और गणेशी लाल, नोट डाउन कर लीजिएगा गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ठीक है, तो वो हुआ था इंग्लैंड में, और वर्तमान में जो अभी आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, इसी मंथ के 30 में से, तो वो भी आपका कहाँ होने वाला है, इंग्लैंड और वेल्स में। ध्यान रखिएगा इंग्लैंड क्रिकेट का जो है जनक भी कहा जाता है, और पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था वो आपका इंग्लैंड में ही हुआ था, इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों पूछा गया आपको इकोनॉमिक एडवाइजर, देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, नियुक्तियों में मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो वो है के सुब्रमण्यम जी, के सुब्रमण्यम जी वर्तमान में हमारे आर्थिक सलाहकार हैं यानी चीफ इलेक्ट्रॉनिक एडवाइजर हैं, तो अगर आपको मुख्य आर्थिक सलाहकार आगे भी पूछता है तो के सुब्रमण्यम के साथ जाएंगे। देखिए कुछ नियुक्तियां और हैं जो कि आपको पूछी जा सकती हैं, आपको चीफ साइंटिफिक एडवाइजर पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा जो आपके
चीफ साइंटिफिक एडवाइजर यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार की, वो कौन है? तो वो है के विजय राघवन। इनका भी नाम आपको आगे देखने को मिल सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, के विजय राघवन वर्तमान में जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के, ठीक है। उसके अलावा आपका एनएसए हो गया, अजीत डोभाल हो गया आपके, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डीजीएमओ हो गया आपके अनिल चौहान, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों आईसीसी आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ पूछा था, तो देखिए बैंक के सीईओ आपको रिपीट हो रहा है फिर से, तो संदीप बक्सी आपके आईसीआईसीआई के हैं। उसके अलावा आपको एचडीएफसी का पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा एचडीएफसी के कौन है, तो एचडीएफसी के हैं आदित्य पुरी, ठीक है। उसके अलावा यस बैंक का पूछा जा सकता है आपको, तो यस बैंक के हैं रवनीत गिल, लिख लीजिएगा रवनीत गिल यस बैंक के। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक का पूछा जा सकता है, तो पंजाब नेशनल बैंक के हैं आपके सुनील मेहता, इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सुनील मेहता आपके पंजाब नेशनल बैंक के। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखिएगा, यानी सीईओ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पूछा गया था आपको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है, तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार करने की सुगमता, ईज आसानी, तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी रैंक रही यानी भारत की रैंक रही पूरे विश्व में वो 77वीं रही है, तो 77वीं में हमने 23 अंकों का उछाल मारा था, पिछले साल ये 100 थी, तो इस वजह से देखते हुए मोदी जी ने क्या किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है हमारे यहाँ इंडिया में भी लॉन्च कर दिया, और उसमें जो पहला स्थान मिला है वो मिला है आंध्र प्रदेश को, ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे। देखिए दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी पूछी थी, तो आप लोगों को अस्ताना याद रहता, तो देखिए अस्ताना से बदल करके अब इसका जो राजधानी है नूर सुल्तान कर दिया गया, तो अगर देखिए अगर ऑप्शन में आपको नूर सुल्तान रहा होगा तो आपका नूर सुल्तान ही सही होगा, अगर नहीं रहा होगा तो आप अस्ताना के साथ जा सकते थे, ठीक है, अगर लेकिन रहा होगा नूर सुल्तान तो बिल्कुल आप नूर सुल्तान आपका सही रहा होगा, अभी हाल ही में इसका जो है चेंज कर दिया गया कजाकिस्तान की। उसके अलावा दोस्तों नागार्जुन सागर डैम पूछा था किस नदी पर है, तो ये है आपका कृष्णा नदी पे, ध्यान रखिएगा नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है, तो ये है आपका कृष्णा नदी पे, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है। दोस्तों लोकसभा की कुल सीटें पूछी गई थी, तो 545 पे देखिए चुनाव होता है, और अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो 552 सीटें होती हैं, 552 सीटें जो होती हैं आपका जो है ये मैक्सिमम होती है, और इस बार जो आपका चुनाव होता है वो कितने पे होता है, 545 पे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, आगे भी देखने को मिल सकता है। तो राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा का कार्यकाल जैसे 6 साल का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है, तो ये टेनर आपको पूछा जा सकता है, जैसे लोकसभा में मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 साल होनी चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो इनको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इनको आप चेक कर सकते हैं, पॉलिटी के सेक्शन में मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल तक मैं इसको पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। उसके अलावा क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड किसको मिला, तो साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ध्यान रखिएगा क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड किसको मिला, तो साउथ सेंट्रल रेलवे स्टेशन। उसके अलावा दोस्तों पूछा था आपको द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक, तो देखिए अगर आपको मूवी पूछा था कि लेखक पूछा था, मुझे नहीं आइडिया है, ऐसा बच्चों का कहना है, बच्चों ने व्हाट्सएप पे बताया था, तो अगर लेखक पूछा होगा तो संजय बारू, ध्यान रखिएगा संजय बारू ने अभी जो है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में जो है जो इसके लेखक है, अभी मूवी भी आई थी जिसमें आपने देखा था कि अनुपम खेर उसमें मनमोहन सिंह बने थे और संजय बारू बने थे अक्षय खन्ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार 2018 से प्रश्न आया था, तो देखिए नोबेल पुरस्कार अगर 2018 से आया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे पीस प्राइज जो मिला है देखिए वो नादिया मुराद और डेनिस मुकवेज को मिला है, डॉक्टर है। अगर आपको मेडिसिन पूछा होगा फिजियोलॉजी, तो वो जेम्स बी एलिसन और तास्को होंजो को मिला है। अगर आपको मान लीजिए फिजिक्स का पूछा होगा, तो फिजिक्स में है आपकी दोना स्ट्रिकलैंड है, आर्थर स्कीन है, गेरार्ड मेरो है, उनको मिला था। अगर मान लीजिए अगर आपको केमिस्ट्री का पूछ लिया होगा, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, देखिए मुझे रटा हुआ है ना, मैंने आपको भी पढ़ा रखा है। अगर केमिस्ट्री का पूछेगा तो उसमें आपकी जो है फ्रांसिस एच अर्नोल्ड है, उनको मिला होगा, ठीक है। और उसके अलावा जॉर्ज पी विंटर है, ग्रेगरी पी स्मिथ, इन तीन लोगों को मिला था। अगर आपको इकोनॉमिक्स का पूछा होगा, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में मिला था आपका जो है पॉल एम रोमर को मिला था, और विलियम डी नॉट हाउस को मिला था, और इस बार लिटरेचर में नहीं दिया गया था। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से नोबल पढ़ा रखा है, नोबल आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है हर साल 10 दिसंबर को, तो ये कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और इसको देता कौन है, तो स्वीडन कंट्री देती है, पता होगा आपको 5 एरिया में 6 एरिया में दिया जाता है, 5 एरिया में स्वीडन देती है, और 1 एरिया में यानी जो पीस प्राइज होता है, जो शांति का पुरस्कार होता है, वो देती है नॉर्वे। ये बच्चों मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बिल्कुल देखिएगा, और वीडियो को जरूर लाइक करेगा, अगर आप 1 लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि जो भी चीजें मैं मेहनत आप तक पहुंचा रहा हूँ वो आप तक सफल हो रही है, और कॉमेंट भी जरूर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो देखिए आपको पूछा गया था कि एशियाई गेम्स 2018 का 2018 कहाँ हुआ, तो ये इंडोनेशिया में हुआ, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलिंगबांग में ये हुआ है आपका जो है एशियन गेम्स 18वां एडिशन था, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल हमने 69 मेडल जीते हैं और हमारी पोजीशन थी 8वें स्थान पे थे। फ्लैग बियरर जैसा मैंने आपको बताया कि ध्वजावाहक अगर आपको पूछ ले ओपनिंग सेरेमनी में यानी उद्घाटन समारोह में, तो वो नीरज चोपड़ा थे जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जबकि अगर क्लोजिंग सेरेमनी में यही पूछ ले ध्वजावाहक तो वो कौन थी, वो रानी रामपाल थी जो कि हमारी जो फीमेल हॉकी टीम है उसकी कैप्टन है रानी रामपाल, ये थी। ठीक है, अगर अगर आपको पूछा जाता है क्लोजिंग सेरेमनी में तो रानी रामपाल, ओपनिंग सेरेमनी में यानी उद्घाटन समारोह में पूछा जाता है तो वो थे आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे काका भिन भिन अतुम इस बार का मैस्कट था, उसके अलावा आपका पूछा जा सकता है कि जो इस बार का मोटो था वो क्या था, तो एनर्जी ऑफ एशिया था। ठीक है, उसके अलावा दो नए गेम शामिल किए गए जिसमें ई स्पोर्ट था, उसके अलावा कैनो पोलो था। ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं वो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ाया गया है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को पढ़ाया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कि अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एल्युमिनियम का अयस्क कहते हैं। देखिए और भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, सारे अयस्क मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे थे और पूछे भी जाएंगे, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो है अयस्क है ये पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता भी होगा क्या होता है, बॉक्साइट। ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो वो होता है बॉक्साइट होता है, कोरिंडम होता है, क्रायोलाइट होता है, एल्युमिनियम के क्या होते हैं ओर होते हैं यानी अयस्क होते हैं। दोस्तों आपके आगे आपको और भी ज्यादा पूछा जा सकता है, जैसे लोहे का पूछा जा सकता है तो मैग्नेटाइट हो गया, लिग्नाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, इसका पूछा जा सकता है, आपको सीसा का पूछा जा सकता है तो गैलेना हो गया, ध्यान रखिएगा गैलेना हो गया आपका, और आपका सैक्साइट हो गया, ये आपके किसके हैं सीसे के हैं, तो ये भी आगे आपको देखने को मिल सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, जैसा मुझे मिला है वो एल्युमिनियम का अयस्क पूछा गया था, तो वो था बॉक्साइट। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछी गई थी, तो देखिए सबको पता होगा 182 मीटर की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है, तो गुजरात में नर्मदा नदी के पास, और इसके जो शिल्पकार है उनका नाम क्या है, तो राम सुतार। ठीक है, और किस कंपनी ने बनाया है, तो TNB ने यानी टॉसन लार्सन एंड टर्बो ने, ध्यान रखिएगा एलन आपके L&T कंपनी ने बनाई है यानी लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने बनाई है। उसके अलावा देखिए आपको CM पूछा था झारखंड का, देखिए ये भी कुछ बच्चों को कहना है, अलग अलग जोन के पेपर बच्चों ने बताए, अलग अलग जोन के बच्चे हैं तो अलग अलग जोन के क्वेश्चन बताए हैं, तो देखिएगा झारखंड जो है आपका वहां पे जो है अभी करेंट में जो CM है वहां के कौन है, तो वो है रघुवर दास, जबकि द्रौपदी मुर्मू वहां के राज्यपाल है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा था, तो देखिए वेंकैया नायडू, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो बिल्कुल वेंकैया नायडू है, या फिर आपको हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि राज्यसभा के उपसभापति पदेन कौन होते हैं, तो वो भी वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, सॉरी राज्यसभा के सभापति यानी जो उसके स्पीकर होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो हमारे पदेन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति होते हैं किसके, तो वो होते हैं राज्यसभा के। उसके अलावा एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन पूछा गया था, लगातार आपको देखने को मिलेगा, तो 17 है, ध्यान रखिएगा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या है, तो 17 है, कई बार आपको ये रिपीट होगा। AIDMK पार्टी से पूछा गया था आपको, ध्यान रखिएगा AIDMK पार्टी से क्वेश्चन पूछा गया था, मे बी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम पूछा गया हो, ऐसा बच्चों का कहना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम बेहद इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बार बार आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो धावन सोडा है जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, जो कि आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखिएगा NO2CO3 आपको हमेशा देखने को मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो किसका होता है, तो वो होता है धावन सोडा का, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट किसका होता है, तो वो खाने के सोडा का, ध्यान रखिएगा खाने के सोडा का क्या होता है, तो वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, ये आगे आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका होता है, तो वो होता है आपका बेकिंग सोडा का, ये भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है, सॉरी कास्टिंग सोडा का जो होता है आपका वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जबकि बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा कहते हैं, वो आपका सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, और सोडियम कार्बोनेट होता है आपका वॉशिंग सोडा का। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई, तो देखिए ये बनाई गई 1912 में, कुछ बच्चों ने 1911 भी लिखा है, तो बता दूं कि देखिए 1911 में ये घोषणा हुआ था, 1911 दिसंबर में ये घोषणा हुआ था, और जो है 1912 अप्रैल में इसको भारत की राजधानी बना दी गई थी, तो अगर आपको घोषणा पूछा होगा तो 1911, जबकि अगर आपको पूछा होगा कि बनाया कब गया, तो वो होगा आपका 1912। ऑस्कर अवार्ड से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगर देखिए ऑस्कर अवार्ड 2019 से पूछा गया होगा, अगर मूवी पूछी गई होगी तो ग्रीन बुक है, ठीक है, डायरेक्टर पूछा गया होगा तो अल्फांसो क्यूरॉन उनका नाम है, अगर एक्टर पूछा गया होगा बेस्ट एक्टर, तो रामी मालिक,
दिया होगा। अगर एक्ट्रेस पूछा गया हो गया तो उनका नाम है ओलिविया कोलमैन। ओलिविया कोलमैन जो है कि इस बारी की जो बेस्ट एक्ट्रेस है उनको चुना गया है, ठीक है। तो अगर इतने ऑप्शंस में से कुछ भी देखते हैं, अगर 2019 से पूछा गया है तो यही होंगे। ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ मूवी चुना गया, अल्फोंसो क्यूरॉन को रोमा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर चुना गया, रामी मालिक को एक्टर चुना गया और जो है ओलिविया कोलमैन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो एसडी कुमार स्वामी, जैसा कि मैंने आपको सुबह में भी बताया था कि एसडी कुमार स्वामी आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उसके अलावा फिजिक्स से दोस्तों आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल साइंस में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए रेजिस्टेंस से पूछा गया आपका यानी प्रतिरोधक से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा आपको जो है यूनिट्स पूछी जा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा, यूनिट्स पूछी गई है आपको। न्यूटन्स लॉ पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा साउंड इंटेंसिटी की जो है आपकी यूनिट पूछी गई जो कि डब्ल्यू बाई एम स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका वन एंगस्ट्रम बराबर पूछा कि वन एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो 10.10 जो मीटर होता है, 10 माइनस 10 मीटर होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए, 10^-10 मीटर जो होता है आपका वो वन एंगस्ट्रम बराबर होता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। फिजिक्स में लगभग 11 से 12 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिले थे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट कर दिए, इसका एक जो पूरा जो है आज मैथ रीजनिंग और जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस जितना भी मिला के सब पूछा गया है वो सारे मैं आपको रात को प्रेजेंट कर दूंगा एक साथ, वो कंबाइंड विंडो होगा। ऐसी इसी तरह आपका विद द सॉल्व के साथ मैं करूंगा यानी हल के साथ मैं आपको प्रेजेंट करूंगा यानी सॉल्व पेपर पूरा प्रेजेंट करूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाइक करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप शेयर भी करेंगे। तो ऐसे ही बने रहेगा डेली रेगुलर, जितने दिन आपका एग्जाम चलेगा रेगुलर आपको ऐसे रिव्यूज मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, चलिए हम मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन करेगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट जिनके पेपर आने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में प्रेजेंट करूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।